नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूँ भावना शर्मा। आज का दिन 15th of April है, इसी के साथ संडे का दिन है। राहु काल का समय 4:15 से लेकर 5:30 तक का रहेगा। चलिए आज बात करेंगे आपकी राशियों के बारे में। इसी के साथ आपको बताऊंगी आज के दिन में खास उपाय क्या कर सकते हैं आप लोग। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए। फर्स्ट कार्ड निकल रहा है 7 of Swords एंड द सेकंड कार्ड इज 9 of Cups। तो आज का दिन उतार चढ़ाव भरा रह सकता है, यानी कि अनस्टेबिलिटी थोड़ी सी रहेगी। पार्टनर्स, आपकी बात मानने के लिए दबाव नहीं डालना है आप लोगों को। अपने पार्टनर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज उनको नहीं करना है किसी काम के लिए, किसी बात के लिए। किसी मामले को लेकर कन्फ्यूजन्स पैदा हो सकते हैं और ख़ासतौर पर कोई डिसीजन लेने में थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन्स हो सकती हैं। आज क्या उपाय करना है आप लोगों को, केसर युक्त खीर का भोग भगवान विष्णु जी को लगाना है। ऐसा करने से आपका दिन तो बेहतर होगा ही, इसी के साथ साथ आप लोगों के लिए धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे। चलिए वृषभ राशि की बात करते हैं। टॉरेंस के लिए फर्स्ट कार्ड निकल रहा है 5 of Cups एंड द सेकंड कार्ड इज किंग ऑफ सोल्स। तो जल्दबाजी और हड़बड़ी में काम बिगड़ने के योग बन रहे हैं, तो आज कोशिश करें बहुत ही ज़्यादा धैर्यपूर्वक संयम रख करके ही कोई काम करें और सावधान रहें। आपको हर चीज़ में आज किसी भी काम में लापरवाही अगर आप बहुत ज़्यादा बरतेंगे तो आपका वो काम भी बिगड़ सकता है। बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाएं, कोई डिसीजन नहीं लें, इस बात का ध्यान रखें। इसी के साथ कोई आपके काम में कमी निकाल सकता है, जिसकी वजह से आपको थोड़ी बहुत निराशा हो सकती है। तो ऐसी चीज़ों के लिए पहले से तैयार रहें और बहुत ज़्यादा उस चीज़ से स्ट्रेस को अपने बढ़ाएं नहीं। आज के दिन में उपाय क्या करेंगे, चीनी और चावल का दान देना बहुत ही अच्छा रहेगा, यानी कि वाइट चीज़ों का दान देना आज बहुत ही अच्छा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिथुन राशि जेमिनाइज के लिए कैसा रहेगा दिन आपका, क्या कहते हैं कार्ड्स जान लेते हैं। फर्स्ट कार्ड इज 4 of Pentacles और दूसरा कार्ड निकलता है 7 of Wands। तो आज जेमिनाइज को कोई नई योजना मन में चल रही है तो उसमें थोड़े बहुत बदलाव भी करने पड़ सकते हैं आप लोगों को। चेंजेस करने से आपके उस प्लानिंग में कहीं ना कहीं पे आपको फ़ायदा होगा। नए लोगों से मुलाकात होगी, सोशल गैदरिंग आपकी बढ़ेगी, खर्चा लेकिन आपका बढ़ सकता है आज के दिन में। अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने के लिए कोई नई इन्वेस्टमेंट आप लोग नहीं करें। नई परिस्थितियों के कारण अपने लक्ष्य से समझौता नहीं करें, इस बात का ध्यान रखें और अपनी विल पावर को बना करके रखें। आज जैसे कि सूर्य का दिन है, यानी कि संडे का दिन है, तो अपने राइट हैंड की कलाई पर एक कलावा बांध ले, 6 बार उसको आपको मूली को लपेटना है। ऐसा करने से आपकी विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी। इसी के साथ उपाय क्या करना है, गंगा जल मिश्रित पानी से आपको स्नान करना है। ऐसा करने से आपका जो नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव थॉट्स हैं, वो खत्म होंगे। चलिए एक इंश्योरेंस की बात कर लेते हैं आप लोगों के लिए। फर्स्ट कार्ड निकलता है किंग ऑफ कप्स एंड द सेकेंड कार्ड इज एस ऑफ कप्स। आपको एक से अधिक कारणों के लिए यात्रा, यानी कि ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती है या कोई खास काम आपका हो सकता है। आज सोचे हुए काम निपटाने से परेशानी आपकी बढ़ सकती है या फिर काम करने के तरीके में आपको कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। आज नुकसान भी हो सकता है, तो ध्यान रखिए किसी भी कोई भी इन्वेस्टमेंट करते वक्त आप कोई लापरवाही नहीं बरतें या फिर कोई पैसे का लेन देन करते वक्त आप कोई लापरवाही नहीं बरतें, नहीं तो लॉसेस का सामना आपको करना पड़ेगा। बिजनेस पार्टनर्स के कुछ अनबन हो सकती है आपकी, तो उनसे तालमेल बनाए रखने के लिए आज कोशिश करें कि आप कोई भी नया काम या नई डील्स आज फाइनलाइज न करें, नहीं तो उनसे आपको उस मैटर के ऊपर कुछ तालमेल नहीं बन पाएगी, उनसे ही आपके लिए अनबन के योग बनेंगे। उपाय क्या करना है, आज ऑफ व्हाइट कलर पहनेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। लियोस के लिए फर्स्ट कार्ड निकल रहा है 10 of Cups एंड द सेकंड कार्ड इज 4 of Cups। तो आज आपके लिए दिन जो है काफ़ी ज़्यादा रचनात्मक रहेगा, काफ़ी क्रिएटिव रहेंगे आप लोग। आप जो भी करना चाहेंगे उसमें आपको कुछ लोग मददगार आपके लिए साबित होंगे, साथ ही में आपके जो मेंटोर्स हैं वो भी आपको आने वाले समय के लिए गाइड करते रहेंगे। नए लोग, नए विचार और नई बातें आपके सामने आ सकती हैं आज, जिसकी वजह से आपके लिए आने वाले समय में कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ आपको मिलेंगे अपने काम को बेहतर तरीके से करने के लिए। उपाय क्या करना है, आज कहीं पे भी आप बाहर जाएंगे तो सौंफ खा कर के बाहर जाएंगे, आपका काम बनेगा, आपके लिए नए काम के योग भी आपको बनेंगे। चलिए वर्गोस की बात करते हैं। वर्गोस के लिए फर्स्ट कार्ड निकल रहा है 9 of Pentacles एंड द सेकंड कार्ड इज 3 of Swords। काम कल पर नहीं डालें, इस बात का ध्यान रखें, यानी कि किसी भी काम में आपको डिले नहीं करना है। कुछ लोग आपको परेशान कर सकते हैं, आपके काम के बीच में इंटरफेयर कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम तो होगी, साथ ही में आपका काम भी हो सकता है समय पर आप पूरा नहीं कर पाएं। पैसों के मामले में पुराने मामले आपके सामने आ सकते हैं या फिर किसी को आपने पैसा दिया हुआ था या किसी से लिया हुआ था, ये चीज़ें, ये मैटर्स जो हैं आपके सामने आ सकते हैं आज के दिन में। कार्य क्षेत्र से संबंधित कामकाज में भाग दौड़ भी ज़्यादा रह सकती है आज, तो कोशिश करें अगर कोई काम ऐसा है भी तो उसमें अपने, खासतौर पर अगर आप
बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते जाएंगे तो हो सकता है आप उतना शारीरिक मेहनत भी नहीं कर पाएं। तो स्ट्रेस लेवल्स को कम कीजिए, एंग्जाइटीज़ को कम कीजिए, बिजनेस पार्टनर्स के साथ आज संबंध अच्छे रहेंगे, आप बेहतर हो जाएंगे। आज के दिन का उपाय क्या रहेगा, सूर्य की उपासना आपको करनी है और तांबे के लोटे से सूर्य को जल देना है, साथ ही में एक चुटकी लाल चंदन आपको उसमें मिला देना है। चलिए लिब्रंस की बात कर लेते हैं। लिब्रंस के लिए फर्स्ट कार्ड जो निकल रहा है वो है नाइन ऑफ सॉर्ड्स एंड द सेकंड कार्ड इज एस ऑफ वॉन्ड्स। तो आप ज़्यादा भावुक हो सकते हैं आज के दिन में, इससे आप खुद को ही परेशान करेंगे, तो कोशिश करें बहुत ज़्यादा इमोशनल डिसबैलेंस करना भी अच्छा नहीं है। तो किसी के प्रति अगर आपके इमोशंस बढ़ भी रहे हैं तो उसके सामने उस चीज़ को जाहिर नहीं होने दें, अपनी बात कहने में संकोच और हड़बड़ी भी नहीं करनी है आज के दिन में, और कोई भी डिसीजन लेना है तो उसे थोड़ा सा धैर्यपूर्वक लेंगे तो बेहतर है, जल्दबाजी के कारण बने बनाए काम आपके बिगड़ सकते हैं। आज उपाय क्या करना है, किसी भी गरीब को आपको खाने की सामग्री, खाने का सामान दान में देना है। चलिए बात कर लेते हैं स्कॉर्पियोस की। स्कॉर्पियोस के लिए फर्स्ट कार्ड निकलता है थ्री ऑफ वॉन्स और दूसरा कार्ड निकलता है द रिवर्स ऑफ टेम्परेंस। तो आज के दिन में बिजनेस में फायदा होने के आसार नजर आ रहे हैं, कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन आप करेंगे। इसी के साथ स्टूडेंट्स के लिए समय थोड़ा सा नकारात्मक भी हो सकता है, क्योंकि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं, जिसकी वजह से आज थोड़े से परेशान आप रहेंगे। कोशिश करें आप ईस्ट फेसिंग होकर के पढ़ाई करें, साथ ही में सरस्वती मंत्र का जाप आज ज़रूर करें। पेट के रोगों से आज परेशानी हो सकती है, यानी कि डाइजेशन प्रॉब्लम्स आपको परेशान कर सकती हैं आज। उपाय क्या करेंगे, काली मिर्च का सेवन करना बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसा करने से आपका सूर्य तो स्ट्रांग होगा ही, बिकॉज संडे है, सूर्य का दिन है, सूर्य स्ट्रांग होगा, साथ ही में आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में भी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो बेहतर हो जाएंगी। चलिए बात कर लेते हैं सैजिटेरियंस की। सैजिटेरियंस के लिए पहला कार्ड निकल रहा है क्वीन ऑफ कप्स एंड द सेकंड कार्ड इज टेन ऑफ वॉन्स। आप लोगों के लिए दिन में कई बार दूसरों की मदद करेंगे आप लोग, कुछ सौदे आपके फेवर में हो सकते हैं, साथ ही में दिन भर आप काफ़ी ज़्यादा व्यस्त रहेंगे और किसी नज़दीकी व्यक्ति के बारे में अचानक कोई खबर आपको मिल सकती है। आप कहीं ना कहीं पे कार्य क्षेत्र में ज़रूरी सुधार करने के बारे में विचार भी करेंगे आज। उपाय क्या करना है, हनुमान जी को चूरमे का भोग लगाना और प्रसाद गरीबों में बाँट देना है आपको, ऐसा करने से आपके लिए नौकरी में नई नौकरी के योग बनेंगे। चलिए बात कर लेते हैं कैप्रिकॉर्न्स की। कैप्रिकॉर्न्स के लिए फर्स्ट कार्ड निकलता है सिक्स ऑफ कप्स एंड द सेकंड कार्ड इज टू ऑफ सॉर्ड्स। महिला सहयोगियों से फायदा हो सकता है आज, उनकी तरफ से कोई इनोवेटिव आइडियाज आपको मिल सकते हैं। इसी के साथ बिजनेस करने वालों के लिए दिन काफ़ी अच्छा है और नौकरी पेशा लोगों के लिए सामान्य रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए समय काफ़ी एक तरह से हार्ड वर्किंग दिखाई दे रहा है, आपको मेहनत जो है करनी पड़ेगी, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे। उपाय क्या करना है, गुलकंद का भोग आज हनुमान जी को लगाना है, ऐसा करने से आपके शत्रु परास्त होंगे। चलिए कुंभ राशि वालों की बात कर लेते हैं। एक्वेरियंस के लिए फर्स्ट कार्ड निकल रहा है एट ऑफ पेंटाकल्स और दूसरा कार्ड निकलता है द डेविल, यानी कि आज रिश्तों में के प्रस्ताव पर अभी कोई फैसला नहीं करें, यानी कि बहुत जल्दी डिसीजन नहीं लें, उसमें थोड़ा सा टाइम ले लीजिए। मानसिक तौर पर खुद को थोड़ा सा अस्त व्यस्त महसूस कर सकते हैं, आप लोग गलत फहमी का शिकार भी आज हो सकते हैं, तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स को अवॉइड करें, किसी करीबी या चाहने वाले से भी वाद विवाद हो सकता है। उपाय क्या करेंगे, भगवान राम या विष्णु जी के मंदिर में जाकर के चंदन चढ़ाना है आपको। चलिए बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। तो पाइसेंस के लिए फर्स्ट कार्ड निकलता है द डेथ कार्ड एंड द सेकंड कार्ड इज नाइन ऑफ वॉन्ड्स। आपका दिन आज का दिन जो है बिजनेस, पैसों और कानून से जुड़े मामले जो हैं उसमें अच्छी पहल और सौदे कर सकते हैं। इसी के साथ नए दोस्त मिलेंगे जिनसे आप काफ़ी ज़्यादा कुछ और चीज़ें सीखने को आपको मिलेंगी, लेकिन फालतू वाद विवाद में उलझने से आपका पैसा और समय खराब हो सकता है, तो ऐसी चीज़ों को आप अवॉइड करें। आपको कुछ काम ऐसे खासतौर पर मिल सकते हैं जिसमें कि किस्मत का साथ थोड़ा कम मिल पाएगा, तो पूरी तरह से आप अपने लक फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते हैं। आज हार्डवर्क करना ज़्यादा ज़रूरी है। उपाय क्या करना है, आज घर या ऑफिस की पश्चिम दिशा में आपको तेल का दीपक लगाना है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात और कल फिर लेकर आऊँगी ऐसे ही आपकी राशियों का हाल, लेकिन तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए एस्ट्रो तक।